तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक से एडवांस। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम कुछ चीजें बेसिक करेंगे फिर कुछ चीजें एडवांस करेंगे। ओके, तो हम बेसिक में हम मेनू बार के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जी हाँ, मेनू बार से हम अपना ये जो है पूरा सिस्टम लेके चलेंगे, क्योंकि मेनू वाइज पढ़ने से क्या होगा कि आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा चीज, कौन से टॉपिक्स, कौन सा ऑप्शंस हुआ है और कौन सा ऑप्शन अभी बाकी। तो हम बात करने जा रहे हैं आज फाइल मेनू बार की। जी हाँ, फाइल मेनू बार। देखिए, अगर आपके पास ऑफिस 10 है, 13 है, 16 है, लेटेस्ट 19 या 365 है आपके पास, तो यहाँ आपको फाइल बटन दिखेगा। अगर आपके पास ऑफिस 2007 है, यहाँ पे आपको ऑफिस बटन दिखेगा। क्या दिखेगा? ऑफिस बटन। ओके, तो हम फाइल मेनू बार में आते हैं। होम है, न्यू है, ऐसे बहुत सारे टैब्स हैं, वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले हम होम पे आते हैं। तो होम पे क्या है कि आपको यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक और रिसेंट यूजिंग टेम्पलेट। और टेम्पलेट क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी देर में आपके साथ जिक्र करेंगे। उसके बाद नीचे आइए, नीचे आपका आता है रिसेंट एंड सर्च मी। आप जो रिसेंटली फाइल ओपन किए हैं उसके कुछ लिस्ट आपको दिखेंगे। उसके बाद जो आपका पिन है, मतलब कि अब पिन क्या होता है कि देखिए रिसेंट में क्या है कि जो फाइल ओपन है वो लिस्ट आएगा और लिस्ट अपडेट होते रहता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई और दूसरे फाइल, तीसरे फाइल, चौथे फाइल अगर ओपन कर लूं तो ये लिस्ट हट जाए। लेकिन क्या है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर फाइल, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स वाली फाइल में बार बार ओपन करते रहते, तो लिस्ट से हट ना जाए इसलिए मैं यहां पे इसको पिन कर दिया। रिपीट का बटन इस पे क्लिक कर दीजिए, पिन होता है। पिन होने के साथ क्या होगा कि इस वाले टैब में आ जाएगा, ये नहीं हटेगा यहां से। दूसरा, शेयर विथ मी, जो आपको इसने शेयर किया है, अगर किसी ने आपको कुछ शेयर किया है उसका लिस्ट आपको यहां है। तो होम में ये चीजें होती है। होम के बाद हम न्यू पे चलते हैं। न्यू पे यहाँ आपके सामने टेम्पलेट, यहाँ पे जो है न्यू वर्कबुक, बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे। देखिए, टेम्पलेट के लिए आपके सिस्टम में उस समय इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि सारे ऑनलाइन आते हैं और डाउनलोड होते हैं। अब टेम्पलेट होता क्या? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको बना बनाया फॉर्मेट दिया है। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको बना बनाया फॉर्मेट दिया है। अब इसका यूज क्या है? जैसे मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि कुछ चीजें आपको मिली लेकिन आपने उसका, आपको नहीं पता चला कि कैसे होता है। मतलब कि मान लीजिए कि आपके बॉस ने बोला कि मुझे एक इनवाइस का टेम्पलेट बना के दो या एक इनवाइस बना के दो। अब इससे पहले आपने कभी इनवाइस को देखा नहीं, कभी बनाया नहीं, बनाने का आइडिया नहीं है, या फिर बनाना नहीं चाहते हैं मेरी तरफ, तो क्या करेंगे? यहां आप बिल इनवाइस जो भी कीवर्ड है सर्च कीजिए, सर्च बार यहां आपको दिख जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ्स की इनवाइसेस दिख जाएंगे। अब जो इनवाइसेस आपके अकॉर्डिंग है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे लिए ए फिट बैठता है, क्लिक किया और यहां से क्रिएट कर लिया। अब क्रिएट होने के बाद पूरा इनवाइस का डिजाइन मुझे मिल गया। अब मुझे क्या करना है? बस चेंज करना है, जैसे कंपनी नेम, डेट वगैरह, बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज है। आप प्रिंट आउट देंगे, देखें एक पेज में आपको ये प्रिंट आउट है, एकदम इनवॉइस की तरह। ऐसे इसमें और भी बहुत सारे हैं जिसका यूज कर सकते हैं आप, ऐसे बहुत सारे। तो टेम्पलेट समझ में आया आपको कुलदीप जी? हाँ जी सर। और सिनार जी, आपको आया समझ में? जी सर। बोलेंगे सर हम लोग इसका क्या यूज करें? मान लो कभी किसी ने, अगर मेरे बॉस ने मुझे कोई ऐसा रिपोर्ट बनाने के नहीं बोला तब क्या होगा? क्या
अब ये जरूरी नहीं है, हाँ ये जरूरी नहीं है कि आपके बॉस ही बोले, आप अपना काम भी कर सकते हो। संजय जी आ गए, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बॉस बोले तभी कर पाए। हेलो संजय जी, ये आवाज आ रही है आपको? आपने म्यूट कर रखा, अनम्यूट करेंगे तो मैं सुन पाऊंगा आपको। यस सर, लाउड एंड क्लियर सर, सॉरी आई हैव डिले। हाँ मैं देर किया, बट आप नहीं आए तो मैं क्लास को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपने व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स भी नहीं दिया था ना, इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, तो हम टेम्पलेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आप जो है फाइल मेनू बार में जब जाते हैं तो फाइल मेनू बार में हमें न्यू का ऑप्शन आता है, तो इसके अलावा यहाँ बहुत सारे और भी चीजें हैं और सर्च भी कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स होते हैं, बने बनाए फॉर्मेट होता है, जैसे कि मैंने एक इनवाइस का फॉर्मेट आपके सामने डाउनलोड किया है, अब इसमें मैं अपनी हिसाब से चेंज करके इनवाइस कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आखिर हम अपने ऑफिस में क्या यूज करेंगे? तो अब जैसे कि मान लीजिए कि आप ऑफिस में जो रिपोर्ट्स बनाते हैं वो तो क्या करते हैं, प्रीवियस रिपोर्ट का आप एक प्रीवियस रिपोर्ट्स को ओपन करते हैं। प्रीवियस रिपोर्ट को हम ओपन करते हैं, उसको सेव एज करते हैं आज की डेट में, और फिर उसके ऊपर जो है हम अपने हिसाब से चेंज करते हैं। या संजय जी मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि मुझे एक कुछ सिस्टम बना के दे दो, तो आप जो फॉर्मूले और बाकी चीजें लगाओगे, आपने उसको ऐसे दे दिया तो उसको डेली बेसिस में चेंज करना पड़ेगा ना, अगर वो रिपोर्ट डेली बेसिस पे होती है तो उसको डेली बेसिस पे चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ क्या? यस यस, क्यों ना हम उसको सारी जो भी हम अपनी कैलकुलेशन फॉर्मेटिंग फॉर्मूला जो भी करें उसको एक टेम्पलेट में दे दें। जैसे कि आपके सामने मेरे पास एक सेल्स रिपोर्ट का एक फॉर्मेट खुला हुआ है, जिसके जिसको हम जो है प्रिंट आउट निकाल के या पीडीएफ में करके या किसी मीडियम से या फाइल ही भेजते, तो मुझे डेली, अब इसमें क्या है कि ब्लैंक दिख रहा है ना, लेकिन जब मैं इसको सब रिपोर्ट डाल दूंगा, सब चीज डाल दूंगा, तो कल इसी फाइल को सेव एज करना पड़ेगा ना मुझे। तो हम क्या करेंगे कि इस फाइल को सेव एज करेंगे, ब्राउज करेंगे, और इसमें हम करेंगे एक्सेल वर्कबुक के अलावा टेम्पलेट। कौन सा? एक्सेल टेम्पलेट। ठीक है, एक्सेल टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद आप जो है अपना लोकेशन सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जब एक्सेल टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे, देखिए आप, जब मैंने एक्सेल टेम्पलेट को सर्च सिलेक्ट किया तो ये क्या हो गया, ऑफिस ए लोकेशन में चला गया, डॉक्यूमेंट ऑफिस टेम्पलेट में, समझे? अब इस लोकेशन में आपको रखना, कई बार होता है कि बोलते हैं कि सर, ऐसे बोलते हैं कि सर मैंने किया तो था लेकिन मुझे नहीं पता चला ना फाइल कहाँ गई हुआ। हम लोगों की हैबिट क्या होती है कि हम लोग पहले लोकेशन करते हैं देन फाइल टाइप, लेकिन टेम्पलेट के केस में आपको उल्टा करना है, पहले सिलेक्ट करना है आपका फाइल टाइप, सिलेक्ट करना है लोकेशन। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूं। अब सेव करने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूं। सेव करने के बाद सबसे पहले इसकी आइकन देखिए, ये देखिए नॉर्मल फाइल की आइकन है आपकी, और ये देखिए आपकी की फाइल, मतलब की आपकी टेम्पलेट फाइल का टाइटल। टेम्पलेट फाइल में एक तरह से कैलेंडर की तरह बन के आता है, हेलो सॉरी सर, मेरा बेटा आ गया। ओके, आजकल पास पास ही होता है। अब यहाँ पे हम आगे बात कर रहे हैं, तो टेम्पलेट, अब मैं इसको ओपन करता हूँ अपने इस टेम्पलेट को।
अब देखिए फाइल ओपन किया आप यहां दिख रहा है आपको सेल्स वन ओपन हुआ, ठीक है दिख रहा है ना आपको सेल्स वन, जैसे बुक वन होता है। अब मैं दोबारा इसको ओपन करूंगा तो देखिए अब सेल्स टू हो जाए, जैसे बुक वन ओपन है, जैसे बुक वन ओपन है, दोबारा आप एक्सेल फाइल ओपन करते तो बुक टू हो जाता है ना, क्या सर? ओके ओके सेल्स टू हाँ हो गया ना, हो गया। तो अब जैसे अलग-अलग हाँ अलग अलग सेव मेरा ओरिजिनल जो स्टैम्पलेट है एक कबीर ओवर पेंटिंग होगा, मैं इसकी डबल क्लिक करूंगा तो मुझे इसकी एक कॉपी दे देगा, उसमें हमने डेटा डाल दिया, जैसे हम सेव करेंगे ये आपस सेव एज हो जाए, समझे? तो आपने जो फॉर्मेट बना के दिया हुआ है वो फॉर्मेट कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके है ना, बेनिफिट इसका सर। चलिए तो टेम्पलेट समझ में आ गया। अब टेम्पलेट के बाद आगे बढ़ते हैं, फाइल के अंदर में हम आते हैं, अब आता है न्यू के बाद हमारा आता है ओपन। ओपन देखिए हमने आपको होम बताया था, तो होम पे बताया था हमारे पास रिसेंट फाइल है, बट इसमें रिसेंट फाइलें तो है लेकिन कुछ पर्टिकुलर फाइल, समझ गए? कुछ पर्टिकुलर फाइल। देखिए जब ओपन करते हैं तो ओपन में आपको कई सारे फाइल्स दिखते हैं, दिख रहा है आपको? तो इसमें जो है ओपन के अंदर में रिसेंट फाइल काफी बड़ा होती है, क्योंकि इसमें रिसेंट और पिन दोनों होती है, पिन सबसे टॉप में होगा। अब इसमें पिन क्या है संजय जी? क्या कि मान लीजिए ये डेटा अटेंडेंस फाइल में बार बार ओपन करता हूँ, डेली बेसिस पे तो ओपन नहीं करता लेकिन हाँ एक दो दिन पे उसको ओपन कर देता हूँ, ये फाइल जो है बहुत ही अंदर रखा हुआ है तो मुझे बार बार उस लोकेशन पे जाना पड़ता है, ठीक है ना? अब यहाँ पे तो अभी दिख रहा है लेकिन जैसे जैसे हम फाइल ओपन करेंगे वैसे वैसे लिस्ट से गायब हो जाएगी ना, क्योंकि लिस्ट अपडेट होता है ना सर। तो मैंने क्या किया इसको यहां से पिन कर दिया, जैसे पिन किया पिन करने के बाद ये टॉप पे आ गया, आ गया। अब ये लिस्ट से कभी गायब नहीं, मैं कितना भी फाइल ओपन कर लूं ये लिस्ट से गायब नहीं होगा। और साथ में रिसेंट फोल्डर भी होता है, क्योंकि मान लीजिए ना कि आपको किसी फोल्डर में सेव करना था, ब्राउज पे जाते हैं ना, किसी फोल्डर से लेना है तो ब्राउज पे जाते हैं, ब्राउज पे जाने की जगह पे आप फोल्डर पे जाएंगे तो यहाँ पे जो रिसेंट फोल्डर यूज किया गया है उसका लिस्ट दिख जाएगा, तो ब्राउज पे जाके सी ड्राइव डी ड्राइव डी ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, यही जा सकते हैं। फोल्डर भी पिन हो सकता है। हाँ अब यहाँ पे जैसे क्लाउड में रखा हुआ है तो क्लाउड से उठा सकते हैं, या फिर जो फाइल मेरे साथ शेयर की गई है क्लाउड वो यहाँ पे आपको दिख जाए। अब बात करते हैं फाइल की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और भी चीजें हैं लेकिन जियो पे हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल प्रॉपर्टीज पे पढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज में अब मान लीजिए ये हमारा सेल्स का फाइल है, अब सेल्स लिखा हुआ है तो चलो अभी आपने तुरंत देखा है कि सेल्स डेली रिपोर्ट है इसलिए पता चल गया, लेकिन अगर आप 6 महीने तक इस फाइल को ओपन ना करो, संजय जी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है सर। या जैसे आपने किसी क्लाइंट का फाइल बनाया और बनाने के बाद ठीक होके चल रहा है, 6 महीने बाद क्लाइंट बोल रहा है कि सर आपने जो फाइल बनाई थी ना उसमें थोड़ी सी चेंजिंग थी करनी थी। अब 6 महीने फाइल उसकी कौन सी फाइल बनाई थी उसको तो ढूंढना पड़ जाएगा। आप मेरे जैसा कॉमन नेम रखते हैं जैसे डेटा वन सेल्स रिपोर्ट ओके प्रोजेक्ट ऐसे नाम रखते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना सर कि कौन सा yes. उसको खोल के देखना पड़ेगा तब पता चलेगा कि ये फाइल है या नहीं, क्योंकि आपके सिस्टम में डेटा फाइल बहुत सारे होंगे ना। तो आप मान लीजिए कि आपको कोई पर्टिकुलर डेटा वाली फाइल उठानी है तो कई सारे फाइल को खोल के देखना पड़ेगा तब पता चलेगा कि हाँ ये फाइल जो जिस डेटा को मैं खोल रहा हूँ यही फाइल है। तो दिक्कत होती है कॉमन नेम में से बुक वन कॉमन नेम होता है बुक वन बुक टू बुक थ्री, या आपका कॉमन नेम होता है डेटा रिपोर्ट इस तरह के कॉमन नेम होते हैं, तो कई सारे लोकेशंस में कई सारे फाइल का नाम हम एक जैसा रख देते हैं।
कुछ दिन बाद जब उस फाइल को हम ओपन करते हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा फाइल है, बार बार फाइल को ओपन करना पड़ता है। तो देखिए मेरे इस केस में नहीं है, मैं जैसे ही कर्सर ले जाता हूँ, कर्सर ले जाते ही देखिए दिख गया कि ऑथर IPTX स्कूल मतलब किसके इस फाइल को किसने बनाया है। टाइटल कि एक डेली सेल्स रिपोर्ट फॉर्मेट है, दिख रहा है ना सर? तो मेरे सिस्टम में क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने इसकी प्रॉपर्टी मेंटेन की है, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गया और प्रॉपर्टी में जाने के सेल्स पे हमने जो है सबको फिल कर दिया, ठीक है ना आपको? अब इसे ऑथर ने क्या किसने फाइल बनाया है, तो मान लीजिए कि आपके बॉस ने फाइल दिया कि आप कुछ कर दो, आपने कुछ किया है और बॉस तीसरे को फाइल भेज रहा है, तो तीसरे को पता नहीं चलेगा कि इसमें आपने कुछ किया है। आप ये चीज को बताना चाहते हैं कि मैंने भी कुछ किया है, इसमें अपना ऑथर समझ गए सर? तो यहाँ पे टाइटल, सब्जेक्ट, सर्चिंग टैग, कीवर्ड्स, कैटेगरी, कमेंट वगैरह आप यहाँ डाल सकते हैं, जो कि यहाँ कर्सर ले जाते ही शो करेगा जैसे मेरे शो कर रहा। और ये चीज आप यहाँ फाइल के इन्फो से भी चेंज कर सकते हैं। तो समझ में आ गया आपको फाइल की प्रॉपर्टी चेंज करना? इन्फो में कैसे चेंज करेंगे सर? यहाँ ना सर आपको, अच्छा यहीं पे, ओके ओके ठीक है ठीक है। अब बात करते हैं सेव की। तो सेव या सेव एज जो होता है वो सेम चीज है कि कौन से फोल्डर में सेव करना है, या ब्राउज करके पर्टिकुलर लोकेशन में जा सकते हैं और यहाँ पे फाइल के नेम और यहाँ आपके फाइल के टाइप्स होते हैं। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एक्सेल वर्कबुक सिलेक्ट किया हुआ, तो क्या है कि इसके अंदर अगर किसी तरह की माइक्रो प्रोग्रामिंग है ये वर्क नहीं करेगा, ये माइक्रो डिसेबल कर देगा, क्योंकि एक्सेल वर्कबुक माइक्रो डिसेबल फाइल होती है, समझ गए? तो अगर माइक्रो हमेशा माइक्रो अनेबल वर्कबुक ही सिलेक्ट करें, अब ऐसा जरूरी माइक्रो अनेबल वर्कबुक कर दिया जिसमें माइक्रो फाइल ही डालेंगे, हम इसमें नॉर्मल फाइल भी डाल सकते हैं, नॉर्मल फाइल भी डालने पे कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गए? आपने एक बताया था बाइनरी वाली फाइल भी तीसरी, हाँ, बाइनरी माइक्रो एनेबल वर्कबुक है, तो बाइनरी में मैक्रो नहीं हो सकता? नहीं, बाइनरी डेटा के लिए होता है, जैसे बहुत ओनली डेटा से आपका ठीक है, तो लार्ज डेटा को उसमें करेंगे तब प्रोसेसिंग स्लो नहीं होगी। अब कौन सा फाइल क्या है उस फाइल टाइप को भी एक बार समझ लेते हैं, आइकन्स को। अभी मैंने फाइल खोला हुआ, अभी ए आपको दिख रहा है, कहां गया आपका ये फाइल दिख रही है, ये आपकी एक्सेलेक्स फाइल और ये आपका एक्सेलेक्स फाइल, दोनों में कोई दिक्कत नहीं आइकन, मतलब कि एक्सेल की फाइल, ठीक है सर? एक्सेलेक्स एक्स फाइल है मतलब कि एक्सेल वर्कबुक है, और जिसमें एक्सप्रेशन मार्क आपको दिख रहा है ये क्या है? मैक्रो एम मैक्रो फाइल। तो अब ऐसा गारंटी नहीं कि इसके अंदर माइक्रो ही होगा, हम माइक्रो वाली फाइल में नॉर्मल डेटा भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, नॉर्मल वाले नॉर्मल बिना माइक्रो डिस्प्ले वाले एक्सेल माइक्रो रख सकता है। तो अगर आपको कोई फाइल भेजा, इस तरह की फाइल भेजी है तो ये माइक्रो अनेबल है, तो उसको ओपन करने से पहले आप चेक कर लीजिएगा कि ट्रस्टेड बंदे ने भेजा है या नहीं, उसमें वायरस भी आ सकता है, ठीक है ना? ओके
तो सेव एज सेवेज की बात हम बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक एड पैलेस था, दिख रहा है आपको सब? इतने लोग कहाँ से ज्वाइन कर लो? अच्छा कुछ लोगों ने दो बार ज्वाइन कर लिया ना, दो बार ज्वाइन किया इन बिटवीन। सॉरी सुशील, एक्चुअली मैं अभी जस्ट ऐप डाउनलोड किया था तो इन बिटवीन दो बार ज्वाइन हो गया, तो एक कैंसिल कर दूंगा मैं। कोई बात नहीं, वो पॉपअप आ जाता है ना बीच में थोड़ा सा, तो अब यहां ऐड है पैलेस आपको दिख रहा है, तो क्या हुआ? एक साथ दो ज्वाइन करने का नतीजा है, इसलिए जो है दो एक साथ दो डिवाइस से ज्वाइन नहीं करना चाहिए। मैं डिसेबल कर दिया, डिसेबल कर दिया, माफी चाहता हूं डिस्टरबेंस के लिए। अभी ये देखिए यहाँ पे ऐड ए पैलेस दिख रहा है आपको सर। ऐड ए पैलेस मतलब है कि आप वन ड्राइव को ऐड करना चाहते हो या वन ड्राइव फॉर बिजनेस ऐड करना चाहते हो। ये तभी होगा जब आपके पास ऑफिस 365 होगा, तो आप अपने डिवाइसेस को ऐड कर सकते हो। तो क्या है कि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। अब शेयर आप लोग नेटवर्क ड्राइव समझते हैं? कंपनी में नेटवर्क ड्राइव होता है, तो हम लोगों क्या होता था कि इसमें नेटवर्क में जाके अपने नेटवर्क ड्राइव को मैप करना होता, समझे? नेटवर्क ड्राइव में जाके हमें अपने नेटवर्क ड्राइव को मैप करना होता। तो बहुत सारे लोग समझते थे कि यही है, मतलब कि ये जो हम नेटवर्क ड्राइव में जो ड्राइव ऐड कर रहे हैं वो हम डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं। नहीं, ये सिर्फ वन ड्राइव के लिए होता है। उसके बाद हम प्रिंट की बात करते हैं। अब किसी भी इसको प्रिंट करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे फाइल लेता हूँ, हाँ इसको प्रिंट करना, तो प्रिंट करने के लिए आपको क्या है, या इसको प्रिंट करना है आपको, तो प्रिंट ऑप्शन करते हैं तो आपके सामने प्रिंट का आता है। इसको समझ लीजिए यहाँ पे पेजेस होता है, वन बाय वन पेजेस को देख सकते हैं आप, यहाँ पे डिस्प्ले आएगा, यहाँ पे आपका आता है नंबर ऑफ कॉपीज कि इस पेज की जो भी पेजेस या पेज है उसके कितने नंबर्स ऑफ कॉपीज बनाने हैं। उसके बाद ये आपका प्रिंटर है। अब आपके सामने जो भी डिफॉल्ट प्रिंटर, जैसे आपको मान लो पीडीएफ में प्रिंट करना है तो इस पे क्लिक कर सकते हो, ताकि सेव एज पीडीएफ तो है ही, बट आप यहाँ पे प्रिंट और पीडीएफ भी कर सकते हैं। प्रिंटर की जो रीसेट करना है, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट की जगह कलर प्रिंटर था, ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हो या पेपर साइज या फिर वाटर मार्क लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे क्योंकि देखिए वाटर मार्क तो वर्ड में है कि डायरेक्ट वाटर मार्क लगा सकते, बट एक्सेल में वाटर मार्क का सिस्टम नहीं, तो हम प्रिंटर के प्रॉपर्टीज में जाके हम यहाँ वाटर मार्क ऐड करें कि कॉन्फिडेंशियल है, ड्राफ्ट है, कॉपी है, सिंपल है, ये चीज आ सकते, लेकिन खुद के तो होते ना वो नहीं डाल सकते। इसमें जो फिक्स है वही डाल, नहीं फिक्स नहीं, एडिट पे क्लिक करके खुद के भी डाल सकते हो, सॉरी माफ कीजिएगा, आप न्यू पे क्लिक करके खुद के भी डाल सकते हैं, टाइटल की जगह पे खुद भी डाल सकते हैं, इस तरह से वाटर मार्क। ओके, उसके बाद आता है प्रिंट टू सीट, पूरी की पूरी सीट को प्रिंट करना चाहते हैं या इंटायर वर्क को या फिर सिर्फ सिलेक्टेड एरिया को प्रिंट करना चाहते हैं, यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे होता है कोलेटेड, जैसे मान लीजिए कि मेरा जो है एक ही पेज है, लेकिन मान लीजिए कि ये पांच पेज है और मुझे 10 कॉपी निकालनी है, कोलेटेड में क्या हुआ, एक से पांच एक कॉपी, एक से पांच दो कॉपी, एक से पांच तीन कॉपी, ऐसे 10 कॉपी निकाल कर दूंगा तो पेज नंबर 1 की 10 कॉपी, पेज नंबर 2 की 10 कॉपी, ऐसे निकाले। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, साइज, मार्जिन, कितना मार्जिन होना चाहिए, फिट टू रेंज, फिट टू कॉलम, कॉलम्स इन वन पेज कर सकता है, आपको ऐसा लग रहा है कि कॉलम भर सकता है, कर सकता है तो फिट कर दीजिए एक पेज में प्रिंट। हालांकि प्रिंट के ऊपर और ज्यादा हम पेज सेटअप वगैरह की पढ़ाऊंगा जब मैं आपको पेज लेआउट पढ़ाऊंगा, ठीक है?
अब शेयर की बात करें तो अपने फाइल को वन ड्राइव में एज ए वर्कबुक या एज ए पीडीएफ शेयर कर सकते हैं। देखिए अगर आप ऑफिस 365 की जगह पे अगर आप खोलते हैं अदर वर्जन, तो यहाँ पे आपको शेयर विद आउटलुक आता है कि आप डायरेक्ट उनको मेल कर सकते हैं आउटलुक। एक्सपोर्ट, अगर आपने पावर आपको एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ में, एक्सपीएस में, सेव एज भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट है। यहाँ से आप अपने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हालांकि सेव एज करते समय भी ये ऑप्शन आ जाता है, लेकिन इसमें अलग से दिया हुआ है क्विकली हो जाए इसमें। पब्लिश में अगर हम आते हैं तो पब्लिश में क्या है हमारा, आप इसको अगर आपके सिस्टम में पावर बीआई है तो पावर बीआई से डायरेक्ट कनेक्ट करके इसको सेव एज कर सकते। अब हम बात करते हैं अकाउंट की। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो इसमें आप लॉग इन कर लेंगे, तो इसमें जैसे ऑफिस की अपडेट वगैरह इजिली कर पाएंगे। अगर आपका परचेज वर्जन है तो, आपने अगर पायरेटेड यूज किया है तो भूल जाइए। फीडबैक, जैसे आपको कोई ऑप्शन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उनको सजेशन यहाँ भेज सकते हैं। सजेशन भेजेंगे तो क्या होगा कि अगर आपकी प्रॉब्लम अगर उनके लिए उनको अच्छा लगेगा तो अगले वर्जन में उसके लिए एक सोल्यूशन डाल दें, समझे। अब हम बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन क्या है एक्सेल की सेटिंग, एक्सेल की सेटिंग। आप बोलेंगे आपने सर पहले या दूसरे क्लास में आप हमको सेटिंग क्यों पढ़ा रहे, तो देखिए मेरा मानना है कि आपके पास जब भी कोई नई डिवाइस आती है तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। जैसे आपने नया फोन लिया, उसका रिंगटोन, उसका वॉलपेपर आप अपने हिसाब से चेंज करते हैं, पहले से तो सेट होता ही है ना, फिर भी हम चेंज करते हैं। उसी तरह से एक्सेल हम स्टार्ट करना शुरू किए हैं तो एक्सेल के अंदर जो सेटिंग है वो डिफॉल्ट सेटिंग तो है, लेकिन डिफॉल्ट सेटिंग होने के बाद जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है जो कि हमें काम करने में दिक्कत होता है। तो आप ऑप्शन में जाके उस प्रॉब्लम को, उस सेटिंग को चेंज कर देंगे तो आपका सही रहे। जैसे कि आप यहाँ देखिए कि जब भी हम नया वर्कबुक या नया सीट लेते हैं तो क्या होता है कि इसका जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है एरियल, डिफॉल्ट साइज होता है व्यू होता है ना सर। तो इससे अब मेरा डिफॉल्ट एरियल है, आपका कैलिबरी हो सकता है जो सिस्टम डिफाइन किया हुआ है, लेकिन आप लोग ये फॉन्ट यूज नहीं करते, आप इसके लिए कोई और फॉन्ट यूज। तो यहां पे आप अपना चेंज कर सकते हो कि मैंने चेंज कर दिया एरियल फॉन्ट की साइज, यू हमने शीट्स डाल दी। तो उससे क्या होगा कि जब भी हमारी फाइल ओपन होगी तो उसी उसी फॉर्मेट से होगी, उसी साइज से होगी, उतने ही शीट्स होगी। तो इस तरह की जो सेटिंग्स हम चेंज करेंगे तो बेटर। देखिए यहाँ पे यूजर नेम है, हमने आपको बोला था आपका फाइल किसने बनाया पता चल जाता है। यूजर नेम आपका डिफॉल्ट लॉगिन आईडी होता है, जैसे कि एडमिन वन, यूजर वन। ये एक ही बार सेटिंग करना है सर? हाँ, एक ही हर एक एक्सेल में अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाए। जी हाँ जी हाँ, हम एप्लीकेशन को सेट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर फाइल को सेट तो नहीं कर रहे। ओके ओके, इस पे हम डिस्कस आपके साथ कल की क्लास में करेंगे, ठीक है? ओके ओके, क्योंकि पढ़ने की हैबिट आप लोगों की छूट गई है, आप ज्यादा एक के दिन पढ़ेंगे क्लास में सो जाए आप लोग, ठीक है? इसलिए धीरे धीरे स्पीड लेंगे।